अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू गिटार सीरीज़ बाय आमिर अज़हर। मैं आपसे कुछ एक्सपीरियंस शेयर करूँगा जो मैंने मुख्तलिफ़ आर्टिस्टों के साथ प्ले किया, उनकी एल्बम्स में, उनके टीवी शोज़ में, और लाइक कोक स्टूडियो और उसके अंदर जितने मुख्तलिफ़ प्रोड्यूसर्स आए, चेंजिंग्स आई, किन किन प्रोड्यूसर्स के साथ कैसे काम रहा, कैसा एक्सपीरियंस रहा, मैं ये सब आपके साथ शेयर करूँगा। और ये बहुत मज़े का एक जर्नी स्टार्ट होने वाली, होपफुली आपको मज़ा आएगा इसमें। और सबसे पहला जो मैंने कलाम चूज़ किया है वो बहुत ही मकबूल हुआ, बहुत ही फेमस हुआ, और उसको गाया था आतिफ असलम, वन एंड ओनली, यू नो, इन पाकिस्तान इज़ द लीडिंग आर्टिस्ट इन पाकिस्तान। तो उन्होंने बहुत खूबसूरत तरीके से इसको गाया, रोहेल हयात ने कोक सीजन 12 में इसको प्रोड्यूस किया, और मैंने उसमें जो ओरिजिनल मेरा एक सोलो पीस है उसमें मुझे बहुत ही ज़्यादा लोगों की प्यार मिला, उसमें लोगों ने मुझे इतना अप्रिशिएट किया। फिर उन्होंने मुझे ये भी कहा कि आमिर भाई आप अपना प्लीज़ कुछ ना कुछ स्टार्ट करें, हम आपसे सीखना चाहते हैं। ये सब आप लोगों के लिए है, जो मेरे एक्सपीरियंस हैं ये सब आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँगा, और आपके साथ मैं सिखाऊंगा भी वो जो मैंने सीखा, और जो मैंने पीसेस सोलो डिफरेंट सॉन्ग्स में या डिफरेंट जगहों पे मैंने प्ले किए हैं, जिन जिन लोगों के साथ, जिस जिस बैंड के साथ मैंने काम किया, आप मुझे उनके सोलोस, उनकी बेस लाइन्स या एकुस्टिक की या मैंडोलिन की, रुबाब की, ये सारी जो जो मैंने चीज़ें परफॉर्म किए हुए वो मैं सारे आपके साथ शेयर करूँगा। तो स्टार्ट करते हैं, वही खुदा है। सीज़न 12 में जो स्टैंडर्ड ट्यूनिंग थी वो हमारी 432 किलो हर्ट्ज़ थी, लेकिन मैं आपको भी जो प्ले करके सुना रहा हूँ वो 440 किलो हर्ट्ज़ के ऊपर सुना रहा हूँ। ये है इस कलाम का सोलो जो आतिफ असलम ने गाया और रोहेल हयात ने इसको प्रोड्यूस किया। तो मैं चाह रहा हूँ कि आप इसको एज़ इट इज़ लर्न करें जैसे मैं प्ले करता हूँ, और ये जो टेक्निक है प्लेइंग की, जिसको कहते हैं लाइक स्रोत काइंड ऑफ प्लेइंग, या लोग सितार भी कह देते हैं, हालांकि सितार के साथ इसका नहीं कुछ आता, लेकिन आपको मैं बिल्कुल स्लो डाउन करके आसानी से समझाने की कोशिश करूँगा, और होपफुली आप समझ जाएंगे। लेट्स स्टार्ट द लेसन। अब इसमें सबसे पहली जो चीज़ है कि ओरिजिनल स्केल जो है वो बी मेजर है, तो हमने इसलिए ये मैंने जो कैपो लगाया हुआ है सेकंड फ्रेट पे लगाया, ताकि बाकी चीज़ें ओपन आ जाएं, यानी बी का जो कोड है वो ओपन साउंड करे। तो उसके लिए हमने सेकंड फ्रेट पे ये कैपो लगाना है। अगर आप कैपो किसी सिंगर से नहीं गाया जा रहा बी पे, वो स्टेप डाउन कर लेते हैं, अगर आप किसी के साथ कोलैबोरेट कर रहे हैं या कहीं लाइव बजा रहे हैं, तो आप ए के ऊपर भी इसको सेम जो पैटर्न होगा वो आप उसके ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं। पहला फ्रेज ये हो गया, ठीक है। अब सेकंड, फिर सेकंड फ्रेज दोबारा, अब इसका जो थर्ड फ्रेज है वो ये, ये फिर स्लो डाउन करके दोबारा बजा रहा हूँ।
third phrase. इसका फोर्थ फ्रेज, अब इसमें ये जो टेक्निक प्ले कर रहे हैं उसको गमक कहते हैं, लेकिन जिससे अगर लेट सपोज अगर नहीं हो रही तो आप सिंपल भी कर सकते हैं। ये तीन ऑप्शंस हैं, आपको जो बेटर लगे फिर उसके बाद आप इस पे आ सकते हैं। फोर्थ फ्रेज से आ रहा हूँ, अब मैं दोबारा सारा जो है इसको कंपाइल करके प्ले करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये लेसन अच्छा लगा होगा, और आपको कोई भी राय देनी हो, कोई सजेशन और कोई गलती लगी हो तो प्लीज़ बताएं, ताकि उसको मैं इम्प्रूव करता जाऊं साथ साथ। ये लेसन आप जितना याद करेंगे, जितने लोग याद करेंगे, मुझे खुशी होगी कि जैसे मैं प्ले करता हूं मुझसे प्यार करने वाले भी वैसा प्ले कर सकेंगे। तो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। स्टे ब्लेस्ड।